हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नए किचन टिप्स के साथ, जिसे यूट्यूब पर पहले आपको किसी ने नहीं बताया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप्स की ओर। तो यहाँ पर मैंने दो तरह के टमाटर लिए हुए हैं। अभी जो बिगिनर्स है उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन से हाइब्रिड है और कौन से देसी। तो ये जो राउंड शेप के आपको टमाटर दिख रहे हैं वो बेसिकली देसी टमाटर है, और ये जो लंबे आकार के हैं उसे हाइब्रिड टमाटर कहा जाता है। देसी टमाटर है वो सब्जी में खट्टापन जिस सब्जी में लाना हो उसमें यूज़ किया जाता है, ना कि पंजाबी सब्जी में। और ये जो लंबे टमाटर हैं वो सैलेड में और पंजाबी सब्जी में यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट जब सब्जी खरीदने जाएं तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें, ताकि आपकी सब्जी या कोई भी रेसिपी बिगड़े ना। तो लगी ना मज़ेदार टिप्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी दूसरी टिप मिर्चियों को लेकर है। जो बिगिनर्स है उन्हें भी पता नहीं चलता है कि कौन सी मिर्ची कैसी टेस्ट की है। तो ये जो डार्क हरे रंग की आपको दिख रही है लंबी साइज़ की, वो कम तीखी वाली यानी बहुत ही कम तीखी मिर्च होती है। और ये जो पैरट कलर की ग्रीन कलर की दिख रही है वो मीडियम तीखी रहती है। और ये जो पतली पतली एकदम छोटी छोटी आती है जिसे मुंबई की मिर्ची कहा जाता है, वो बहुत ही स्पाइसी रहती है। तो जो बिगिनर्स हैं उनको ये वीडियो हेल्पफुल रहा ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगली टिप मेरी कैप्सिकम को लेकर है। क्या आप जानते हैं कि इनमें भी मेल और फीमेल रहते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे एक हाथ में कैप्सिकम है जिसमें तीन बम्प दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली कुकिंग के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये मेल कैप्सिकम है। और ये है फीमेल कैप्सिकम जिसमें आपको चार बम्प्स दिखाई देते हैं। ये बेसिकली स्वीट रहता है, तो इस वजह से आप इसको कच्चा खा सकते हैं, सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब सब्जियाँ खरीदने जाएँ तो ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। चौथी टिप मेरी नींबू को लेकर है, जो आपको रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत काम आएगी। तो नींबू का जब आप रस निकाल लें तो इसके छिलके ऐसे ही फेंके ना, इससे आप अपने गंदे जिंक को साफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे जिंक में पानी के धब्बे लगे हुए हैं। तो अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जितना नमक। नमक डालने के बाद जो हमारे नींबू के छिलके हैं उससे हम इसको रगड़ लेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रबर का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि मिनटों में आपकी जिंक कैसे चमक उठेगी। और आपको इसको सीधा पानी से धो देना है, ऐसा नहीं कि आपको 5-10 मिनट रखना है, ऐसा कुछ नहीं। आप सीधा इसको रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ नींबू के छिलके से इसको रगड़ रही हूँ। विद इन अ मिनट में आपका जिंक एकदम नए जैसा चमचमाएगा। तो अभी मैं इसको पानी से सीधा धो दूंगी, तो आप देख सकते हैं ये कितना चमचमा रहा है। तो ये टिप ज़रूर से घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो देखिए कितना चमचमा गया है ना मेरा जिंक। तो ये ज़रूर से घर पे ट्राई कीजिएगा एक बार। अगली टिप मेरी मेथी को लेकर है। तो क्या आप जानते हैं कि इनमें भी देसी और हाइब्रिड रहता है? जी हाँ, तो ये आप जो बड़ी वाली देख रहे हैं ये बेसिकली हाइब्रिड मेथी है, और ये छोटी जो पूड़ी है वो देसी वाली मेथी है। ये सेम चीज़ आपको पालक में और धनिया में देखने को मिलेगी। जो छोटे पत्तों वाली देसी मेथी है उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो हाइब्रिड रहते हैं उनमें पानी की मात्रा कम रहती है। तो आप देख सकते हैं धनिया है मेरे पास, तो ये धनिया है, ये देसी है। तो देसी मेथी, पालक, धनिया, इनका टेस्ट अलग रहता है। और इनकी अलग आप कैसे पहचान कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये जो देसी वाली मेथी है उसके पत्ते छोटे हैं, जबकि इसके पत्ते बड़े बड़े हैं। और आप देखेंगे कि इसके जो डंठल है वो एकदम मोटी मोटी डंठल है, और देसी वाली मेथी की डंठल एकदम पतली रहती है। तो आप इसके ऊपर से आप अपनी सब्जियों का चयन कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास में दिए गए बेल बटन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।